हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर से बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है। सवाई माधोपुर जिले के बोली उपखंड क्षेत्र में करीब एक सप्ताह से तेंदुए की मूवमेंट देखी जा रही है। तेंदुए की मूवमेंट के कारण स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। तेंदुए ने बीती रात 4 को खत्म कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा लगाकर तेंदुए को पकड़ने की मांग की है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक मीठालाल गुजर अपने खेत पर बने कुएं के पास रहता है। पास ही एक बाड़े में रिश्तेदार की भेड़े बंधी हुई थी। रात में अचानक तेंदुए ने 4 को अपना भोजन बना लिया। पैंथर के आवाज सुनकर मीठालाल गुजर हुए उसके परिजन जाग गए, जिसके बाद सभी लोगों के आवाज करने की वजह से तेंदुआ वहां से भाग गया। इलाके में लगातार पैंथर के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। गौरतलब है कि पहले भी क्षेत्र में तेंदुए की मूवमेंट देखी गई है। गत 19 जून को बनास नदी क्षेत्र में बकरिया चराने वाली 2 महिलाओं को 3 तेंदुओं ने अपना भोजन बना लिया। इसके बाद तेंदुओं ने घटना स्थल से छोड़कर जंगल में 2 बकरों और 1 बकरियों को भी अपना भोजन बनाया। इसके अलावा भी कई बार तेंदुओं ने मवेशियों को अपना भोजन बना चुके हैं। कुछ महीने पहले रवासा गाँव में भी पिंजरा लगाकर तेंदुआ का रेस्क्यू किया गया था। वन विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से वन क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं करने हुए मवेशियों को सुरक्षा बाधा बनाने की अपील की है। धन्यवाद दोस्तों, राजस्थान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे चैनल HGK न्यूज नॉलेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।